एक अफसोस हुआ मुझे, आवेश खान का सुना था कि यार वो आज खेल लेता तो हमारे जो है वो एक दो प्लेयर जो आउट ऑफ फॉर्म है वो आ जाते हैं फॉर्म में, लेकिन सुना है कि वो आज नहीं खेल रहा। हाँ तो मसला है बस आज आवेश खान नहीं है, आज हमारी बॉलिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम है नालायक पत्रकार और मेरे साथ पाकिस्तान के वायरल फैन शाहूद। शाहू जी क्या हाल है सर, क्या माहौल है आज सर? अब एनर्जी आ गई है वापस, अब आ गई एनर्जी, अब आ गई है वापस। पिछली बार आपने कहा था लिख के ले लो पाकिस्तान जीतने वाला है, मैंने लिख भी लिया पर लिख के लाए हो, पर मैं ये कह रहा हूँ ये तो मिट गया यार। आपका तो साबुन अच्छा लग रहा है मुझे पर मुझे ये बताओ कि पिछली बार जो आपने कहा था बड़े जोश के साथ कि नहीं नहीं जी 152 के बाद अब लगातार हम ही जीतने वाले हैं, पिछला मैच तो गया आप हार, क्या होने वाला है इस बार? देखें टूर्नामेंट को एक्साइटिंग बनाना था। हाँ अब बारी है 1-1 की। अच्छा ये राउंड 2 है। हाँ राउंड 3 का वेट कर रहे हैं। स्क्रिप्टेड थोड़ी है कि 1-1 ही होना है भाई, गेम तो हम चला रहे हैं ना मर्जी से चला रहे हैं, आप क्यों फिकर कर रहे हो? पर मुझे एक बार बताओ इस एक हफ्ते में ऐसा क्या बदला है कि आपको लग रहा है कि इस बार आपकी टीम बाजी मारकर लेकर जाएगी? 2-3 लंगड़े लूले हो गए इंडियन टीम के, सुना है मैंने। जडेजा जो है अच्छा प्लेयर, लंगड़े अच्छा लूले तो आपकी टीम के भी हो गए हैं। सही है, तो वो एक हफ्ते की बात कर रहे हो ना, मैं कोई पूरे एक महीने की बात थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ। इस हफ्ते तो 2 न्यूज आई है भाई आपकी टीम से। एक अफसोस हुआ मुझे, आवेश खान का सुना था कि यार वो आज खेल लेता तो हमारे जो है वो एक दो प्लेयर जो आउट ऑफ फॉर्म है वो आ जाते हैं फॉर्म में, लेकिन सुना है कि वो आज नहीं खेल रहा। हाँ तो मसला है बस, वो दुखी हो गया रास्ते में ही, करीम वाले ने बताया मुझे कि यार वो आज नहीं खेल रहा। आज आवेश खान नहीं है, आज हमारी बॉलिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। अबे तो 3 ही तो बॉलर थे और किसको लाए, बैट्समैन स्पिनर खिला लेंगे ना। हाँ स्पिनर, आपकी टीम वैसे भी स्पिनर के अगेंस्ट खेल नहीं पाती ढंग से, ऐसा मैं नहीं कह रहा स्टैट्स कह रहे हैं। स्टेट्स तो यही कह रहे हैं कि रिजवान स्पिनर्स के खिलाफ जो खेलते हैं वो इतना फास्ट बॉलर के अगेंस्ट नहीं खेलता, और स्टेट्स तो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान जब भी एशिया कप में भिड़ते हैं तो इंडिया का अपर एज रहता है। पता नहीं कितने यार वर्ल्ड कप के बाद एशिया कप भी ले आओगे, फिर उसके बाद बायलेटरल कर लो ना, फिर किसने मना किया आप लोगों को? तो T20 के बायलेटरल कर लेते हैं, T20 के बायलेटरल में तो इंडिया बहुत आगे। स्टेडियम हमने खोले इसी के लिए था, करवा ही नहीं रहे हो। अच्छा पर चलो आप मुझे ये बताओ कि ऐसा क्या लग रहा है आपको कि इस बार पाकिस्तान की टीम, आप कह रहे हो कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा देगी, क्यों लग रहा है यार? क्यों लग रहा है? हाँ। देखें टू बी ऑनेस्ट हांगकांग वाले मैच से पहले नहीं लगता था यार हांगकांग। अच्छा हांगकांग करें ना, हांगकांग कैसे यार्ड स्टिक हो सकता है? सबर करें, सबर करें। देखें कुछ चीज होती है कि यार आपका हाथ खुलना जो है ना वो बहुत जरूरी होता है टूर्नामेंट के किसी भी मैच में, चाहे वो अंडरडॉग हो या कोई अच्छी टीम हो, हाथ खुलना बहुत जरूरी है। तो 2-3 प्लेयर्स का जो है ना वो खुल गया हाथ इस मैच के बाद, हांगकांग वाले मैच के बाद, और बॉलिंग की जो है ना वो एक कॉन्फिडेंस और बेटर हो गया। जो वो जो आपने देखा ही होगा वाला मैच, पता नहीं आपके पास टाइम हो या नहीं, नहीं हमने देखा, हमने देखा काफी निस्तनाबूत कर दिया आपने हांगकांग की टीम को। हाँ तो उसके बाद जो है ना खुश दिल से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होंगी, दिल खुश हो गया आपका, मतलब 4 छक्के के लगा दिए उन्होंने हांगकांग के खिलाफ, आपको लग रहा है मिडिल ऑर्डर वापस आ गया आपका? वापस नहीं, वो अभी भी खोया हुआ है। देखिए मिडिल ऑर्डर का मैं बताऊँ क्या है, वो मसला हुआ बाबर और रिजवान ने जो है ना पूरे साल मिडिल ऑर्डर को एक्सपोज होने नहीं दिया, चाहे वो इंडिया के अगेंस्ट जो शुरुआत हुई उसके बाद से लेके पूरा साल आया ही नहीं। अब वो बेचारे बैठे हुए चिंगम खा रहे होते हैं वहाँ पे पीछे, तो क्या करें, अब जाके अचानक से इंडिया के मैच में आ गए, एक्सपोज हो गए भाई, बाबर आउट हो गया। तो वो बाबर की फॉर्म और रोहित की फॉर्म, किसकी फॉर्म ज्यादा खराब चल रही है आपके हिसाब से? यार रोहित की अरसे से चल रही है खराब, अरसे से तो नहीं यार, उससे पिछले मैच जो नहीं करना, पिछली सीरीज अरसे से जो है ना वो फॉर्म बुरी चल रही है। पिछली सीरीज क्या आप जिम्बाब्वे को ना लाना भाई, जिम्बाब्वे में मार दिया होगा वो नहीं देखा मैंने, तो जिम्बाब्वे में तो बाबर की भी तो फॉर्म वहीं से आनी शुरू हुई थी। नहीं नहीं बाबर के तो आप जिस भी टीम को ले आओ, श्रीलंका को भी मार के आया बाबर ने, हर मैच में हाफ सेंचुरी मारी है। पर बॉलिंग बताओ, बॉलिंग आपको लग रहा है कि आपकी ज्यादा स्ट्रांग है? वैसे आपके यहाँ पर भी काफी लोग इंजर्ड होते जा रहे हैं, ये वाली इंजरी का एक फायदा ये होगा कि शायद अगर वो अकल के नाखून पी लें तो हसनैन को हसनैन से इतनी उम्मीदें क्यों हैं? अगर इतना ही बढ़िया था तो शुरुआती प्लेइंग 11 में क्यों नहीं था? सब लोगों को इतनी उम्मीदें कैसे हैं कि हसनैन आएगा और कहर मचाएगा? इतना नहीं है कि कि वो कहर मचाएगा, लेकिन हसनैन की अच्छी बात यह है कि वो ऑस्ट्रेलिया से अच्छी परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, तो रिदम में, और वो नए बॉलिंग एक्शन के साथ आ रहे हैं, तो वो रिदम जो है ना वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा लेकिन इसके अलावा अगर आप हसन अली की बात करें तो उसका रिदम आउट हुआ है, तो अगर हसन अली को खिला दिया तो फिर ये एक जो है ना बैड सिग्नल होगा। हरेश राउफ भी खेल रहे हैं मैंने सुना है, तो ये किसकी तरफ से अच्छी खबर है? हरेश राउफ हमारा हमेशा से स्ट्रॉन्ग बॉलर है,
और वो रहेगा। लास्ट मैच में भी वो क्रैम पड़ गए भाई, तीन चौके का एक ओवर में वो क्रैम पड़ गया, उससे तो बॉल ही नहीं हो रही थी, फिर भी भाई जिगर है, उसने बोला नहीं कि मैं ओवर नहीं करा रहा, उसने पूरा ओवर कराया उसके बाद। टीम इंडिया की तरफ से सबसे बड़ा खतरे की घंटी कौन सी है, सूर्यवंशी या हार्दिक पांड्या? सूर्यवंशी नहीं है। सूर्य अच्छा, अगर आपने हांगकांग मुश्किल है, आपने हांगकांग के खिलाफ इतना कारनामा किया, सूर्यवंशी का नहीं देखा आपने हांगकांग के खिलाफ कारनामा? सूर्यवंशी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, पोस्ट मैच भी होगा ना इंटरव्यू, बिल्कुल सीरीज चलनी चाहिए, बिल्कुल, तो उसमें मैं फिर आपको बता दूंगा सूर्यवंशी जो है वो नहीं चलने वाला। मुझे तो लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव धो देगा आज पाकिस्तान। देखिए लगने पे मैं नहीं रोक सकता, आपको पता नहीं क्या क्या लगता रहता है, वो उस लगने पे मैं नहीं रोक सकता। देख लेकिन पर आपको भी तो लग ही रहा था पिछली बार के पाकिस्तान जीतने वाली है। हाँ वो जोश तो आप में भी काफी सारा था। देखिए मैच से पहले अगर जोश ना हो तो फिर क्या फायदा, हम तो आते ही स्टेडियम में मैच देखने के लिए जोश के साथ। तो दुबई के स्टेडियम में मैच होने वाला है, पिच यार मजा आ रहा है लो स्कोरिंग गेम्स में, या आपको लग रहा है हाई स्कोरिंग गेम्स होते ज्यादा मजा आता? यार लो स्कोरिंग इसलिए क्योंकि बॉलिंग अटैक दोनों टीम का अच्छा चल रहा है, वो आपको लूज बॉल दे ही नहीं रहे, कहाँ से मारेंगे। अगर आप वाकई पिछला मैच देख लें इंडिया पाकिस्तान का, दोनों ने अच्छी बॉलिंग कराई, तो उस वजह से जो है मैं खासे लो स्कोरिंग है, वरना हांगकांग वाला देख लें अगर आप तो वो बन ही जाते हैं, अफगानियों ने भी मारे यहाँ पे, तो लो स्कोरिंग मेरे ख्याल से अच्छी बॉलिंग अटैक की वजह से। क्या लग रहा है पाकिस्तान की तरफ से MVP कौन होगा, कौन होगा आज के मैच का सबसे ज़्यादा मेन प्लेयर? मेन प्लेयर मैं चाहता हूँ कि फखर जमान जो है ना, सब लोग फखर जमान चाहते हैं क्योंकि फखर जमान इंडिया के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, पर पिछले कुछ मतलब मैं बोल रहा हूँ मैं चाहता हूँ, लगता नहीं है। लगता जो है वो बाबर आजम ही होगा, लेकिन बाबर आजम मुझे नहीं लगता कि आउट ऑफ फॉर्म जो है वो इतना लंबा चल सकता है, तो आज उसका दिन है। अच्छा इंशाल्लाह। तो चलो दिल पे हाथ रखकर ये बता दो, बिल्कुल क्रिकेट नॉलेज के हिसाब से कितने परसेंट चांस लग रहे हैं, सच्ची बताना पाकिस्तान के? 50-50 वाले तो किसी को तो ये वो तो शुक्र करें मैंने 70-30 नहीं बोला पाकिस्तान का, 50-50 बोल रहा हूँ भाई। अच्छा तो चलो मैच के बाद देखेंगे, मैच के बाद इन भाई साहब से मिलेंगे, पता करेंगे। बड़ी बात यह है कि जब मैच इंडिया जीतता है ना तो ये आते नहीं है, कहते हैं कल आना, उस दिन नहीं आते, आ जाओगे अगर इंडिया जीतेगी तो? गाड़ी ले आना, असल मसला जो है ना वापसी पर रश बहुत होता है। तो चलिए रश तो होगा ही क्योंकि जब टीम इंडिया जीती है तो पाकिस्तानी फैंस पहले भागते हैं, पाकिस्तान जीतती है तो इंडियन फैंस पहले निकल जाते हैं। जब 10 ओवर रह जाएंगे उस वक्त मैं आपको कॉल करूंगा, स्टेडियम में बैठ के करेंगे, बाहर आके नहीं करेंगे, स्टेडियम में बुलाऊंगा। देखो पिछली बार अगर मैं 10 ओवर पर आ जाता तो आपको लगता कि आपकी टीम जीत रही थी, तभी तो बुला रहा था। तो चलो एशिया कप में आज इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है, सुपर चार में पहला मुकाबला है, देखते हैं किस तरफ जाता है। बाकी एशिया कप की मस्त कवरेज और हमारे वायरल पाकिस्तानी फैन भाई साहब यहाँ पर रहेंगे, तो अगर आपने अनकट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो मसला है फाइनल में आपको लग रहा है दोनों टीमें पहुँच जाएंगी? हाँ पक्का, वो श्रीलंका ने बता दिया अफगानिस्तान को कैसे खेलना है। तो चलिए अगर इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में पहुंचती है तो वहां पर भी हम इनसे मुलाकात करेंगे, और आज के मैच में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा और उसके बाद हम दोनों बताएंगे। अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू।